फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लेके आई हूँ मैं शिवरात्रि स्पेशल एक स्वीट की रेसिपी। और शिवरात्रि स्पेशल में मैं सिर्फ भगवान को भोग लगाने के लिए बना रही हूँ मलाई के लड्डू। अगर आपको मेरे मलाई के लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आओ देखते हैं मलाई के लड्डू कैसे बनेंगे, लेट्स सी। फ्रेंड, जैसा कि आज मैं बना रही हूँ मलाई के लड्डू शिवरात्रि स्पेशल में, तो मलाई के लड्डू बनाने के लिए मैंने पनीर लिया है 200 ग्राम। 200 ग्राम है मेरे पास कंडेंस मिल्क, और ये है मेरे 4 चम्मच मलाई, और ये है मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट कटे हुए जैसे पिस्ता, बादाम, काजू है, और ये है मेरे पास केसर जिसको मैंने दूध में भिगोया हुआ है। तो सबसे पहले हम पनीर को क्रम्पल कर लेंगे, तोड़ लेंगे उसके। अभी मैंने पनीर को क्रम्पल कर लिया, बिल्कुल तोड़ लिया छोटा छोटा। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, ये जो पैन लिया इस पैन में सबसे पहले हम ये 4 चम्मच मलाई डालेंगे, और साथ में जो हमने पनीर है क्रम्पल किया है उसको डाल देंगे सब, और इसे अच्छे से चलाएंगे बिल्कुल कि जब तक मलाई और पनीर आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो आज हम बना रहे हैं शिवजी भगवान के भोग के लिए मलाई के लड्डू। तो ये जो मलाई के लड्डू हैं बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं। अब पनीर और मलाई आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं, देखो। अब इसमें हम शुगर नहीं ऐड करेंगे, हम डालेंगे ये जो हमारे पास मिल्क नीड है, तो जितना हमारे पास पनीर हो उतना ही हम इसमें मिल्क में डालेंगे। और इन्हें ड्राई होने तक चलाएंगे। जब पनीर और मलाई और मिल्क में पैन छोड़ने लगे तब तक हम इसे चलाएंगे। अब हमारी मलाई ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। इस टाइम फ्लेवर के लिए हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, आप चाहे तो इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। थोड़ा सा और हम इसे टाइट होने देंगे और फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब देखो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और पनीर ने पैन को छोड़ दिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा हो गया, अब हम इसे अच्छे से मस लेंगे, बिल्कुल एकदम स्मूथ डो की तरह तैयार करेंगे। इस तरह से अच्छे से मसल मसल के एक स्मूथ डो बनाएंगे, जैसे रोटी का डो होता है। अब ये हमारे पास बिल्कुल एक स्मूथ डो बन के तैयार हो गया है। अब इसमें से हम छोटी छोटी सी बॉल निकालेंगे इस तरह से, जितने साइज़ के आपको लड्डू बनाने हो उस साइज़ के आप बॉल निकालिए। इतने में सबके अब लड्डू बनाती हूँ। मैंने ये मलाई के सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं, लेकिन अभी सर्व करने से पहले इसके लास्ट है मेरे पास दूध में भीगा हुआ केसर, इसे लेंगे और सेंटर में इस तरह से एक फिंगर के सेंटर में, फिंगर से लड्डू के सेंटर में इस तरह से पुश कर दें अंदर को, कि जिससे वो दिखने में भी अच्छा लगेगा और हमारे केसर का कलर भी आ जाएगा उसके ऊपर। इस तरह से सेंटर से इसे थोड़ा सा पुश कर दें, अभी इस तरह से मैंने सब लड्डू को कर दिया है। इसके बाद जो मेरे पास ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें सब लड्डू पे मैं लगा दूंगी। तो इस तरह से मैं सेंटर पे सारे ड्राई फ्रूट्स लगा दूंगी। इस तरह से मैंने मलाई के लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं, जो है बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और झटपट बन के तैयार होने वाले जो है शिवरात्रि स्पेशल्स। अपने शिवजी भगवान को भोग लगाइएगा इन मलाई के लड्डू की रेसिपी का, और मुझे बताइएगा कि मलाई के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये मलाई के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। बाय बाय।